हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम देखेंगे कि जो यूपी पीसीएस में 2022 में जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें कौन कौन सी थीम है जो आप देख सकते हो कि जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार मैं आपको एक 2023 का पेपर भी मैंने डिस्कस किया था, तो लगातार हम वो थीम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब बच्चे पूछते हैं कि सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्या किस पे हम ज़्यादा टाइम देके हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो, यानी टाइम टू बेनिफिट रेशियो में ज़्यादा हो, तो वो थीम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लगातार पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। तो इससे ये होगा कि भाई पीवाईक्यू बेस्ट गाइड होते हैं देखो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहाँ पे हमें अपनी प्रायोरिटी देनी है ना, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या हमारा जो लिमिटेड टाइम है पहले में किस पे देना चाहिए। और ये बात स्पेशली करंट अफेयर पे काफ़ी एप्लीकेबल होती है कि करंट अफेयर इतना वास्ट होता है, हिस्ट्री ये इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं, तो पहले किसको पढ़ें या ज़्यादा टाइम किसको दें। तो वो सारी चीज़ें आप जब देखोगे थीम्स हैं, है ना, कि भाई ये थीम्स है डिफरेंट, तो उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि भाई ये इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में ज़्यादा आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन में ध्यान नहीं देना, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। बस आप थीम्स देखो कि कौन सी थीम रिपीट हो रही है, कौन सी थीम से ज़्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर, उनको ताकि आप अच्छे से कवर करके जाओ अपने एग्जाम से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको आइडिया बताता हूँ, ओवरव्यू बताता हूँ कि देखो जो यूपी पीसीएस का आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें 2022 पेपर के अंदर टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन किसके ज़्यादा आए थे सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो वैसे मोस्टली करंट अफेयर के आते हैं, अराउंड 39 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 150 करंट अफेयर के, ठीक है। फिर अगर देखो आप सेकेंड पे अगर बात करें तो हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, सारी हिस्ट्री इसी के अंदर है। तो अराउंड 30+ क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री और कल्चर के। उसके 26 के क्वेश्चन लगभग थे आपके साइंस से रिलेटेड। फिर बाकी आपका ज्योग्राफी के 15 हैं, है ना, और ये बाकी आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन पॉलिटी के 13 क्वेश्चन हैं, एनवायरनमेंट के 6 है, तो ये बाकी चीज़ें, इकोनॉमिक के 7, यूपी स्पेसिफिक 2, ये वेरी करता है, कभी 5 भी आ जाता है, कभी 10 भी आ जाता है, कभी 2 भी, पर इसका मतलब ये नहीं निग्लेक्ट करना है पढ़ना यूपी स्पेसिफिक भी में, बाकी कुछ मिसलेनियस है। अब हम देखते हैं जो 150 क्वेश्चन थे उनमें कौन सी थीम है जो रिपीट होती है ना, और कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको पढ़नी है। ज्योतिबा फुले वो एसोसिएटेड विद, तो ये पर्सनैलिटी है मॉडर्न हिस्ट्री की, है ना, और उनसे रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो आएंगे उसकी मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट से एसोसिएटेड है वो, कोई उनकी बुक्स होगी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो ये आपको ढंग से पढ़नी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर लीडिंग प्रोड्यूसर इन आयरन ओर, ये जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, तो कोई इंडेक्स में रैंकिंग, ये भी आप देखोगे बहुत सारा रिपीट हो रहा है। तो करंट अफेयर का ये एक थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रैंकिंग आ रही है डिफरेंट इंडेक्स के अंदर, है ना, वो जरूर करनी है आपको एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, इंडेक्स हो गए, इंडाइसी जो भी इंडेक्स हो गए आपके, उनके अंदर जो रैंकिंग है स्टेट्स की, है ना, या कंट्री वाइज जो इंटरनेशनल पे आती है उनकी रैंकिंग, वो जरूर करनी है आपको। करंट अफेयर का क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बट इज देखो अगला ही आ गया रैंक का, और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, जब आप पढ़ोगे करंट अफेयर तो डिफरेंट जो इंडेक्सेस है, रिपोर्ट है, पहले वो पढ़ोगे, कौन पब्लिश करता है वो पढ़ोगे, और उसके साथ साथ उनकी रैंकिंग जरूर करनी है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे तो इंडिया की, और अगर इंडिया लेवल पे तो स्टेट्स की। तो पहला क्या होगा रैंकिंग, और दूसरा कौन करता है रिलीजिंग अथॉरिटी, कौन रिलीज कर रहा है, ये आपको देखना है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट लिस्ट है बिल्डिंग्स, तो अगेन आर्किटेक्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बाकी काफ़ी चीज़ें होंगी वो पेंटिंग्स हो गया वो, लेकिन आर्किटेक्चर से जो मेजर रूलर्स हैं और जो बाकी और भी रूलर्स हैं, है ना, उनने जो क्या क्या काम कराया, तो उनका आर्किटेक्चर जरूर करना है आपको। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द ट्री इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, तो डिफरेंट जो स्पीशीज है आपकी उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है क्वेश्चन। एनी इवन दोनों, इवन फ्लोरा का भी आता है, फाउना का भी, जो बिहेवियर एनिमल बिहेवियर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बिहेवियर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल की और प्लांट्स की पढ़नी है आपको। अशर्सन रीजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपी पीसीएस में, ये ध्यान रखना है ना, और इसके कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, वो मैंने एक अलग वीडियो में बना रखे हैं कि क्या कैसे पैटर्न होते हैं, कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कैसे आप ऑप्शन में रिस्क ले सकते हो, वो एक मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है, छोटी वीडियो, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा यूपीएससी अखाड़ा के, जिनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन अशर्सन रीजन वाले ठीक हो जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स में जो बेसिक ट्रेंड्स आते हैं ना हमारे, पॉवर्टी के ट्रेंड्स हो गए, जीडीपी के ट्रेंड हो गए, इन्फ्लेशन के ट्रेंड हो गए, पीओपी के ट्रेंड्स हो गए, तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है कि भाई उस टाइम से उस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो जो भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, यूपी का पढ़ो, यूनियन का पढ़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, तो ट्रेंड जरूर देखना है ना, ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं,
वैसे भी जनरली कोई अगर आप कोई पढ़ रहे हो डेटा या कोई किताब, उसमें अगर ट्रेंड्स दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे वेरी कर रही चीजें, तो ट्रेंड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटी अवार्ड जो भी होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स इधर स्पोर्ट्स का। DDT अगेन साइंस का क्वेश्चन है बेसिक, ठीक है। 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप अगेन स्पोर्ट्स का आ गया। तो स्पोर्ट्स देखो एक थीम आ रही है ना, तो द चैंपियनशिप कहाँ पे कोई चैंपियनशिप हुई, इंडिया ने कितने मेडल जीते उस तरीके से, तो इस तरीके से बेसिक उसके बारे में और कौन विनर थे, स्पोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट थीम है। नेक्स्ट इज द वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो ये क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्कीम्स, इनसे भी आप देखना काफी क्वेश्चन मिलेंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो एनवायरनमेंट में जो भी आपके देखो क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो भी एक्स है, चाहे वाटर पॉल्यूशन का एक्ट हो, चाहे एयर का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, तो ये एक्ट अच्छे से करने हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट हो गए, तो एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये जितने भी सारे फर्स्ट से लेके जितने भी लास्ट तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, इन सारों को मैंने एक वीडियो के अंदर याद करवा रखा है अपनी रट्टा मार सीरीज के अंदर, जो रट्टा मार सीरीज है उसके अंदर, क्योंकि ये थीम हमें पता है इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसी थीम्स जो बार बार पूछता है पीसीएस प्रीलिम्स के अंदर, तो वो थीम्स मैंने मैक्सिमम रट्टा मार सीरीज के अंदर आपको याद ही करवा रखे थ्रू डिफरेंट कोड्स, और ये रट्टा मार सीरीज आपको यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर मिल जाएगी विद रेफरेंस टू वैल्यूएबल आईटी ब्रांड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अगेन करंट अफेयर में, देखो रैंकिंग के हिसाब का है, ठीक है ना। 2022 में पेपर हुआ था, तो उसी की रैंकिंग के हिसाब से करंट अफेयर में जो रैंकिंग है, तो रैंकिंग जरूरी करनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मैच द फॉलोइंग भी काफी आता है, सेशन रीजन आता है इसमें काफी, टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो ज्यादा आते हैं यूपीपीसीएस में, तो पूछ रखे किसमें कितने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करेक्ट मैच है कि नहीं, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो अगेन इंडेक्स रिपोर्ट ये सब आ रहा है ना, तो उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर करना था इनकी बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो रैंकिंग के हिसाब से उसी उसी टाइप का क्वेश्चन होगा ये भी, ये स्कोर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना था। लार्ज इनमें से पूछा रिवर बेसिन लार्जेस्ट किसका है, तो रिवर सिस्टम में बेसिन्स हो गया, ट्रिब्यूटरीज होगी, इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो रिवर सिस्टम भी ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट थीम है। नेक्स्ट इज द थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, ठीक है। तो आंसर आपको आंसर देखो आंसर और एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है, आपको बस देखना है कौन सी थीम रिपीट हो रही है, तो कार्बन हो गए, उसके एलोट्रॉप्स हो गए, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो थीम पता होनी चाहिए आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, है ना। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना। इस बार ये पूछा, अगले बार और कुछ पूछ लेगा, थीम आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, तो ये एक काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाती है आपकी, है ना। हालांकि उसका तो मुकाबला है नहीं कि आप बहुत अच्छे से कवरेज कर रहे हो, फिर आपने सारा पेपर सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटाइज कुछ करना हो तो आप पी वाई क्यू के बेसिस पे थीम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, फिर टाइम बचता है तो बाकी चीजें पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो पूछ अगेन गैसेज हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ग्रीन हाउस गैसेज होगी, सब चीजें बेसिक थीम है, साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया, अगली बार कुछ और पूछ लेगा, तो टाइडल हो गया आपका, वेव एनर्जी हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम आती है जिनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है ना। फिर मे बी न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, ये सारी थीम एनर्जी रिलेटेड जो थीम है वो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है डिजीज, तो डिजीज के भी पूछते हैं, ये वैक्टर पूछे कौन से फैक्टर है ना, ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लांट्स की डिजीज पूछी हुई है, तो एग्रीकल्चर से भी अब काफी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के डिजीज हो गया, है ना, क्रॉप्स हो गया, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये भी थीम है एक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी एक थीम है ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर की थीम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इंसोलेशन होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, वो एक थीम है, तो क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते ही हैं इंसोलेशन हो गया, टेम्परेचर कैसे किस फैक्टर पे वेरी करता है ना, हीटिंग ऑफ द अर्थ हो गया, ये एक थीम है, उसी से क्वेश्चन था आपका ये। चंद्रगुप्त टू रूलर्स, तो मेजर रूलर्स हैं उनके टाइम पे, जो कल्चर था, आर्किटेक्चर था, ये आपको करना है, तो उनके कल्चर कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उनके। जेपीसीएम पर, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी ये अलग है, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है या अदर बॉडीज है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, सारा दे रखा है, पॉलिटी में सिंपल क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज का, है ना, तो डेज हो गया, उनकी थीम्स होगी, कब डे कौन सा किस डेट को आता है,
तो डेज की डेट और उनकी थीम्स जो भी इम्पोर्टेंट है, टाइगर डे, हेरिटेज डे, वर्ल्ड सोयल डे पूछा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट उसके रिगार्डिंग पूछा है कौन सी सिटी को कौन सा अवार्ड मिला है। तो अवार्ड्स, रैंकिंग, ये सब चीजें एक थीम है करंट अफेयर बेसिस पे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से अब आपको आइडिया लग जाएगा भाई कौन सी चीजें हमें प्रायोरिटाइज करनी है। फर्स्ट एयरपोर्ट सोलर, अगेन जो करंट में कुछ अच्छी चीज रिन्यूएबल्स एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज हुई है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी करंट अफेयर रिलेटेड है आपका। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड, अगेन अवार्ड्स हो गया, मिस वर्ल्ड पूछा हुआ 2021 विच वॉज हेल्ड इन मार्च 2022 इन पोर्टो रिको, LBS, ठीक है। तो ये स्कीम्स है गवर्नमेंट प्रोग्राम, लीड बैंकिंग स्कीम, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है पॉलिसी है उनसे क्वेश्चन आ गए। बैसिलस हेमोफेलस इन्फ्लुएंजा डिजीज से रिलेटेड, ऊपर भी एक क्वेश्चन था डिजीज से रिलेटेड, तो जो डिजीज अब आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको करनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स, स्ट्रेट्स, जोग्राफिकल फीचर्स है ना। तो माउंटेन से पूछ लिया, अगली बार हिल्स कोई पूछ लेगा, कोई पीक पूछ लेगा, कोई ग्लेशियर पूछ लेगा, ये थीम्स है। बजट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जैसे स्कीम्स हो गया है ना, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हो गया, उत्तर प्रदेश की बेसिक जीके होगी, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। तो ये पांच चीजें उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आपको कर लेनी चाहिए, और बाकी इन सब के डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें होंगी वो सब तो हम यूपीएससी का ऐप पे आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। मतलब हमारी तरफ से हम सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे आपको, तैयारी बस आपको उसको पढ़ना है, याद करना है और पेपर में अप्लाई करना है। कंटेंट यूपीएससी का सारा आपको प्रोवाइड करा देगा इस एग्जाम से रिलेटेड। अभी डिफरेंट फिलोसफर्स है, फिलोसफी उनकी है ना, तो अगेन पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो भी भक्ति मूवमेंट के टाइम पे थे या बाकी मॉडर्निस्ट के जो पर्सनैलिटीज है उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, क्या उन्होंने फिलोसफी दी, क्या उन्होंने आइडियाज थे, तो उनसे भी क्वेश्चन आता है, तो पर्सनैलिटी के क्वेश्चन हो गए। एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइटो प्लांकटन, लैमनेटिक जोन्स है ना, अगली बार मान लो ओशन बॉटम टोपोग्राफी से पूछ लेगा, लेक इकोसिस्टम से पूछ लेगा, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम अच्छे से करना है आपको। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट, तो बेसिक इंडिया की जो एक इन्फॉर्मेशन है ना, क्या उसकी फिजियोग्राफी है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश की है ना, उत्तर यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट एरिया ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर। मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट्स, तो ये ध्यान रखना जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या होता है मैं बार बार बोलता हूँ, टेम्पोरल साइंस, हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी, देखो गदर पार्टी, आर्मरी रेड है ना, असेंबली बॉम्ब के, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, तो जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे एंशियंट में, मेडिवल में, कौन सा रूलर कब आया, डायनेस्टी कब आई, तो इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से याद करना है, तो क्रोनोलॉजी के काफी क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस के अंदर। इवन जो आपके मान लो पार्टीशन के प्लान्स भी थे उनको भी पूछ लेगा, क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करो, तो क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ना है आपको, कब आपका कैबिनेट मिशन आया, कब क्रिस्प आया, कब अगस्त ऑफर आया, इस तरीके से पूरा है ना। नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज है उनके क्या क्या काम थे, तो ये डिफरेंट पर्सनैलिटी दे रखी है और ये किन क्या क्या उनके काम थे, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है उनके वर्क्स, ये अगेन डिफरेंट टर्म्स है, उनको मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मेरे एक्सप्रेशन दे रखे, खरिया क्या है, कुकी क्या है, ये एनडी क्या है, पलियान क्या है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड रिसोर्सिस और मिनरल्स, कॉपर के बारे में पूछा है, चिले इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इसका रीजन भी पूछा है, एंडीज रीजन इज द नॉर्थ ऑफ चिले इज एंडीज विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरफरी कॉपर। तो मेरे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है रिसोर्सिस का, तो वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सिस का और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक थीम आती है, कॉपर हो गया, टिन हो गया, आपका आयरन हो गया, जो भी मिनरल ऑयल हो गए, तो जो भी आपके वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सिस है और मिनरल्स है। एक क्वेश्चन और आएगा अभी देखना आगे, क्योंकि ये देखो अगर आपको थीम पता होती तो आपने ढंग से करते तो सारे मिनरल आप एक साथ ही कर लोगे वर्ल्ड के, फिर तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से थीम आइडेंटिफाई करके पढ़ना इजी रहता है थोड़ा। नेक्स्ट है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी से रिलेटेड जो डेटा है, कोई रिसर्च हुई है, पॉवर्टी में भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, कभी डेफिनेशन पूछ लेगा, कभी उसके कोई रिसर्च पूछ लेगा, कभी डेटा पूछ लेगा, ठीक है ना। पॉवर्टी भी एक थीम है इंपॉर्टेंट प्री और मेंस दोनों में। हु अमंग द फॉलोइंग बुक्स के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, ट्रांसलेट इसने किया था, तो चाहे हिस्ट्री के अंदर हो चाहे करंट में, बुक्स पे अगर वो इंपॉर्टेंट है उनको भी आपको करना है, कुछ कमेटीज है, कमीशंस हैं, वो भी क्वेश्चन आएंगे उनके देखना भी। ये देखो गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना, जी प्रोग्राम है, ईयर है, तो जब भी आप गवर्नमेंट प्रोग्राम पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो,
तो उस कब वो स्टार्ट हुआ था, स्टेट पीसीएस में खासकर पता होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए, उसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिस्ट्री किसने स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट उसके अगर 2-3 कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है उसके डिफरेंशिएटर पॉइंट्स है वो, और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, ये 5-6 चीज़ें आप ढंग उसके पढ़ो ताकि आपका होलिस्टिकली गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम कवर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस WHO से इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश इन, तो मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन ये, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ अपना ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर WHO एस्टेब्लिश है, तो जो मेजर इंस्टीट्यूशन है उनकी एक्टिविटी, उनके जो हेड है अगर वो इलेक्ट हुए उस साल कुछ, तो वो देखना है आपको, कोई उन्होंने सेंटर एस्टेब्लिश किया है उनसे क्वेश्चन आ सकता है। फोटोकेमिकल स्मोक बेसिक क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, ठीक है, अगेन एक पर्सनैलिटी से फिर क्वेश्चन आ गया कि उनको कोई अवार्ड मिला है क्या, है ना, ठीक है ना, परफॉर्म, ठीक है, सी में डेब्यू लता मंगेशकर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सुन्नी ट्राइंगल इन इराक, इम्पोर्टेंट जो प्लेसेज है वर्ल्ड के अंदर, तो कहते हैं लोकेशन प्लेसेज इन न्यूज हो गया, या बेसिक जो न्यूज हो गया, बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, कभी गोल्डन ट्राइंगल आ गया है ना, कोई रिलीजियस प्लेस हो गया, कोई कन्फ्लिक्ट रीजन हो गया, तो जो प्लेसेज न्यूज होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, और जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज है वर्ल्ड के अंदर उनको भी देख रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी और मैपिंग के अंदर। गिवन बिलो आर द टू स्टेप, वन इज लेबल्ड असर्शन, अदर इज रीजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक पहले भी क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थीम से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड मेडल इन मेंस 200 बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट, तो स्पोर्ट्स में मैंने बताया था है ना, जो भी इवेंट्स हुए कहाँ पे हुई है, कौन विनर था, इंडिया को कितने मेडल मिले, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट था नोट इन उत्तर प्रदेश, तो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। एल्युमिनियम प्लांट्स, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है प्लांट्स एल्युमिनियम के, कॉपर के, स्टील के, और जो बाकी चीज़ें भी और भी इंडस्ट्रीज है उनके, तो इंडस्ट्री एक थीम है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके। पॉलिटिकल पार्टीज विच ऑफ द अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कब कौन सी एस्टेब्लिश हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट, अशोका हो गया, ठीक है, और उसके रॉक एडिक्ट हो गए, ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं बाद में, आप स्तूपास देखोगे, स्तूपास भी आपको देखना पड़ कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, अशोका हो गया, मेजर रूलर हो गए, अकबर हो गए, इसने अपने टाइम पे जो क्या क्या काम कराए उससे क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी वाइज, पर रॉक एडिक्ट भी एक थीम है इससे क्वेश्चन आता, तो रॉक हो गया, अच्छे से करना है आपको। CAG है ना, तो अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं उनसे, जो भी ऑफिसेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब चीज़ें है ना। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द, अगेन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। डिफरेंट सेंटर है और कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेज भी और वर्ल्ड लेवल पे इंडस्ट्रीज भी, कि कहाँ कहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और रिलेटेड भी, तो SDG 2023 में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे है ना, और यहाँ पे अभी 2022 में भी आए हुए हैं, और इवन बाकी स्टेट पीसीएस में, HCS में भी आए हुए हैं, तो SDG अपने आप में एक इम्पोर्टेंट थीम है, सारे के सारे SDG 1 से लेके 17 जितने भी SDG है सारे मैंने कोड के थ्रू आपको रट्टा मार सीरीज में याद करवा रखे हैं, तो ऐसी चीज में अगेन जो बार बार रिपीट हो रही है, चाहे बुक्स हो गए, ऑथर हो गए, क्रोनोलॉजी वाइज इवेंट्स हो गई, ये सारी मैंने आपको रट्टा मार सीरीज के अंदर UPSC गाइड ऐप पे मिल जाएगी, वो आपको वहाँ पे चीजें कोड के थ्रू याद करवा रखी है ताकि एग्जाम में सीधा आप क्लिक हो आपको, क्योंकि मेरे को देखते पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये होगा यहाँ पे होगा, तो ऐसे ही आपको दिमाग होता चलना चाहिए देखना, क्योंकि 10 देखते मेरे को सीधा आता है इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, इस तरीके से होता है ना, तो आपको भी जब एक बार वीडियो देखोगे आप तो सारे एकदम से मैच कर दोगे आप उसको फटाफट। अलाउद्दीन खिलजी को उसके टाइम अराउंड द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट, उसके कॉन्क्वेस्ट क्रोनोलॉजी में ऑर्डर, तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में जो भी रूलर है या जो भी कोई पीरियड है उसको आप टाइमलाइन के थ्रू करो, पहले क्या हुआ क्या हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजी वाइज काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हिस्ट्री को टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ो कि कब चीज क्या हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल, अगेन साइंस का है। IFSR, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो डेटा आता है वो आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, कितना कवरेज हुआ है, कौन सा कंट्री है, कौन सी स्टेट में ज्यादा फॉरेस्ट है, परसेंटेज किसका ज्यादा है, मैनग्रोव का क्या स्टेटस है, तो जो भी उसकी फाइंडिंग्स है उसका डेटा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी स्पेसिफिक जो स्कीम्स है वो तो एक थीम अपने आप में, उसमें क्वेश्चन आते, मैंने ऊपर बताया था आपको। विच कंट्री हैज अ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन, तो जो डिजीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन से या पोल्यूटेंट्स हो गया, पोल्यूशन कर लो, तो पोल्यूशन एक थीम है ना, पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स इनसे भी क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो बैटल थे उनको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना है। हिस्ट्री में देखो काफी आ रहा है, क्रोनोलॉजी में बहुत ध्यान दे, डेट्स के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया है इन्होंने हिस्ट्री में। सल्फर ड्रग साइंस का केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग अगेन देखो एक इंडेक्स से क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड, तो इंडेक्स हो गया उनके कौन टॉप कर रहा है उसमें, क्या रैंकिंग आई है, वो सब चीजें। पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट कब पास हो, डेट पूछ ली सीधी। तो पीसा एक थी, मैंने आपको ढंग से पढ़ना है पूरा पीसा पढ़ना है, अगली बार और कुछ पूछ लेगा ठीक है ना। शेड्यूल 5 एरिया, शेड्यूल 6 एरिया, ये सारी चीज कवर करनी है, क्योंकि शेड्यूल भी एक थीम है, पार्ट्स भी एक थीम है पॉलिटी के अंदर। कभी शेड्यूल से पूछ लेगा, कभी पार्ट से पूछ लेगा, आगे आप देखोगे ठीक है। ये क्वेश्चन अगला किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से करनी है आपको। बायोमास एनर्जी सोर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल, है ना, तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु यूमा रीजन ऑफ द म्यांमार, तो पेगु यूमा जो रीजन है उसमें अगेन वर्ल्ड लेवल पे जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थीम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द हीट इंजन इज कार्बोरेटर, किसमें कार्बोरेटर यूज होता है, साइंस के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसके ऊपर। पर्सनैलिटीज और इंटरनेशनल लेवल, अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे पर्सनैलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कब कौन अपॉइंट हुआ कब हुआ। तो यूपीपीसीएस में बड़ा पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया इन अप्रैल, तो कोई जो भी अपॉइंटमेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे पर्सनैलिटीज है जो न्यूज में, उनको आपको अच्छे से करना है। कैबुल लैमजाओ नेशनल किस लेक पे लोकेटेड है, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लेक्स हो गया, नेशनल पार्क हो गई, आपकी थीम है जो करना है आपको, नेशनल पार्क में डाल देते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फार्म सब्सिडीज इन इंडिया, इकोनॉमिक्स का बेस है ना, फार्म सब्सिडीज पढ़ते ही हम। ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है, व्हाट इज द नेम फॉर द टेस्ट ऑफ, है ना, जो भी देखो रिसेंट में कोई अगर कोई नया अटैक कुछ भी आएगी चीजें, है ना, जो एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करेगा, तो उससे रिलेटेड सीयूटी है ना, एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ग्रेजुएट के टेस्ट के लिए, तो उससे क्वेश्चन आ गया। गिवन असर्शन रीजन का हो गया है ना, सॉल्यूशन से क्वेश्चन हो गया, तो उसमें हमेशा कहता हूँ सॉल्यूशन हो गया, सोप हो गया, ये बेसिक थिंग, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, जो ऐसी चीजों केमिस्ट्री के केमिकल जो एवरीडे लाइफ में यूज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आएंगे आपके पास। देन दीज आर द न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा और कौन कौन सी स्टेट में, तो अगेन अपॉइंटमेंट्स हो गया डिफरेंट स्टेट्स में, है ना, तो अपॉइंटमेंट्स जो करंट अफेयर में आते हैं नेशनल करंट अफेयर उसकी वो थीम है ये। माल्थस की थ्योरी है ना पॉपुलेशन से रिलेटेड थी, तो पॉपुलेशन अपने आप में एक थी, 2023 में भी काफी क्वेश्चन थे पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन को अच्छे से करना है आपको, ज्योग्राफी का है ठीक है। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस डोन कब हुई थी, हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उनको ध्यान रखना है, तो जो भी मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखनी है। स्तूपाज, स्तूपाज मैंने आपको ऊपर भी बताया था, स्तूपाज एक थीम है ठीक है। करंट अफेयर की रिपोर्ट, इंडेक्सेस हम देखते आ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। अब क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, कौन सी रिपोर्ट है, वो आप इसमें देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, लेकिन आप फोकस देखो कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो थीम बदल जाएगी। अच्छा ये रिपोर्ट से देख रहा है ना, इंडेक्स देख रहा है, उनमें रैंकिंग पूछ रहा है, कौन रिलीज कर रहा है ये पूछ रहा है, तो ये सब चीज आपको ढंग से पढ़ना है। डेज पूछता है कौन से डे कब है, क्या थीम थी उसकी, तो डेज एक थीम होगी, मैंने पहले बताया था किस डेट को पढ़ता है कोई डे और उसकी थीम क्या थी उस डे की, ये पूछ सकते हैं। नाइट टू टाइटल ठीक है, बेसिक हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक थीम है, उससे क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। वाटरफॉल्स हो गया, स्ट्रेट्स हो गया, सीज हो गया, रिवर हो गया, बेसिक ज्योग्राफी की आपकी थीम है, कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है। इको मार्क इज अ प्रो गिवन टू विच प्रोडक्ट, बेसिक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैजिक, कौन सा करेक्टली इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, तो कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, ये भी एक थीम आती है आपकी। देखो इस बार पूछा है ना, अगली बार फिर रिपीट होती नहीं थीम से, तो आपको अच्छे से करनी है थीम से, उसके बाद टाइम बचता है फिर और कुछ करो ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज, इनमें से कौन सा मैमल है जो ले, विच ले एक्स, एनवायरमेंट क्वेश्चन है आपका। शेड्यूल मैंने बोला था पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट्स हो गए, तो शेड्यूल से क्वेश्चन आ गए ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिफरेंट पर्सन एंड देयर एसोसिएटेड वर्क, तो पर्सनैलिटी का बताया था क्या काम किया है, कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है वो, है ना, तो ये सब चीजें आपको करनी है, कौन सी बुक लिखी है उन्होंने। बेस्ट उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलो, यानी कि यूपी स्पेसिफिक भी आपके, मैंने देखो काफी क्वेश्चन आते हैं है ना यूपी स्पेसिफिक भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस बिल्डिंग न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, रिसेंट जो करंट की मेजर इवेंट है, तो उससे क्वेश्चन आया करंट इवेंट में कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है। कमेटीज होगी जो पीआरआई से रिलेटेड है, तो अब पीआरआई एक थीम है उससे रिलेटेड जो कमेटीज है वो पता होनी चाहिए, आर्टिकल्स पता होने चाहिए, पीआरआई से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार ना, पीआरआई होगी, यूएलबीज हो गई है ठीक है ना, जो 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इकोलॉजिकल नीच, तो डिफरेंट जो टर्म्स हैं है ना, अगली बार पूछ लेगा इकोलॉजिकल सुपरमार्केट्स क्या होते हैं, तो एक बेसिक थीम पता होनी चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए आपको,
है ना, तो एनवायरमेंट की और इकोनॉमिक्स की खासकर बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, टर्म्स पे कोई नई टर्म आपको करंट अफेयर मिल रही है उसको पढ़ लो, उसको याद कर लो, ताकि एग्जाम में वो आ सकती है। अब आपको आइडिया लग गया एनवायरमेंट की और इकोनॉमिक्स की, आपकी जो टर्म्स है वो आपको आइडिया पता होनी चाहिए, तो वो कहीं भी ना कहीं एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, विच प्लेसेस फॉर फ्रॉम विच प्लेसेस जयतन कुंभावर एसोसिएटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया इज हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन अगेन पॉपुलेशन एक थीम आती है, तो उसमें जो डेमोग्राफी स्ट्रक्चर है, क्या डेटा है, सेंसस का डेटा, वो सब हमें पता होना चाहिए। पॉपुलेशन थीम के अंदर ही डालेंगे इसको अपन, और सेंसस ये एक थीम है, इसको आपको करना है, पॉपुलेशन और सेंसस को, इनसे क्वेश्चन आती है। ठीक है, स्टेट एनर्जी अगेन इंडेक्स से आ गया, रैंकिंग आ गई, देखो कितने रिपीट हो रहे हैं इंडेक्स और रैंकिंग के क्वेश्चंस। अगेन यूपी स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन, यूपी स्पेसिफिक हो गया। हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर द सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट, नासा एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल, रिसेंट का करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कैसे सिक्वेंशियल ऑर्डर, बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, मेंशन पहले क्या आएगा फिर बाद में क्या आएगा, उस तरीके से। यूक्रेन, ठीक है ना, से हमें यहाँ पे लेके आए लोगों को, उसके ऑपरेशन का नाम पूछा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेस। तो ये ऑपरेशन भी हो गए जितने भी होते हैं ना कन्फ्लिक्ट रीजन से, हम लोगों को लेके आते हैं, तो ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। नोट ग्रीन हाउस गैस बेसिक क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है एनवायरमेंट का। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे इवेंट्स हो गए, अगली बार अकबर के टाइम पे इवेंट्स को अरेंज करवा लेगा, तो जो मेजर रूलर है उनके टाइम पे जो इवेंट्स हुए उनको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज अगेन फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ पे बना है। तो ऐसे जो मेजर चीजें एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन बनते हैं, कोई नई चीज आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो पता होना चाहिए कहाँ पे स्टार्ट हुई है, किसने की है। द एटमोस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन लार्ज क्वांटिटीज, बेसिक यूनिवर्स का क्वेश्चन है, तो यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, कोई नई क्यूपियर बेल्ट हो गया जैसे, तो ये सब चीजें। काराकोरम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो वर्ल्ड लेवल पे जो फिजिकल फीचर्स है, स्टेट्स, सीज, डेजर्ट, रिवर्स, उनसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगेन डिजीज का तीसरा क्वेश्चन है, डिजीज भी एक थीम है, तो डिफरेंट जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं उनके राइटर, ये भी मैं बताता रहा हूँ। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया उससे, बुक्स से भी, तो बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की बुक्स भी जो लोगों ने पहले लिखी है और जो करंट में भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट एक थीम आ गई मान लो आपके पास फिजिक्स के अंदर, तो एसआई यूनिट्स पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ना है आपको, साइंस कवर करना है। बाकी हमने साइंस भी आपका पूरा जो यूपीपीसीएस का आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है उसमें काफी डिटेल में करवा रखी है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, तो सारी चीज आपकी कवर हो जाएंगी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर। बायो रिजर्व्स, ठीक है, डिफरेंट बायो रिजर्व्स और कौन सी स्टेट के अंदर है, ये बेसिक है एनवायरमेंट के क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द एसडीजी का, देखो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो एसडीजी क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसे क्वेश्चन आता है। मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड, तो मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स से भी ये थर्ड क्वेश्चन है आप 20 के अंदर, तो आपको पता लग गया कितना इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, है ना, तो रर फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है, कोल फील्ड जो है आपकी। सी एन जी इज मेनली कम्पोज ऑफ, तो डिफरेंट गैसेज उनके कंपोजिशन, दूसरा क्वेश्चन है उससे भी, पहले मीथेन का ही पूछा था ऊपर, बायोगैस से रिलेटेड पूछ लेगा, तो गैसेज हो गया, उनके कंपोजिशन हो गया, है ना, ये ओशियन है और डीपेस्ट वाइन या ट्रेंचेज, तो मैंने बताया था अगली बार क्वेश्चन पूछ लेगा ओशन बॉटम टोपोग्राफी, तो वही पूछ लिया, देखो ऊपर मैं आपको बता ही रहा था अभी, है ना, क्योंकि बेसिक थीम उनको आइडिया लग गया, अब यार इसके अराउंड जो चीजें आ रही है उनसे पूछ लो क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर की नजर से गई हुई चीजें, तो पूछ सकता है इससे वो, तो आपको ये चीज पहले पढ़ लेनी चाहिए, तो पेपर ईजी लगेगा आपको। नॉइस लेवल कितना क्या परमिसेबल है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, है ना, कि रेजिडेंशियल एरिया में कितना होता है, साइलेंट जोन में कितना होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यूनियन, है ना, बेसिक जो आपकी जो डिफरेंट आपकी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो, है ना, ये सारी चीज़ आपको करनी है। न्यूज़पेपर और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्सटेक, सार्क, ठीक है, IORA और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वो पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन थिंकर से आते हैं, कोई ज्योग्राफिकल थिंकर हो गया, कोई सोशियोलॉजिकल थिंकर हो गया, कोई इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई बड़ा थिंकर है, उसकी क्या थ्योरी थी, क्या उसके वर्क थे, तो मेजर मेजर चीजें,
ज्यादा नहीं, थोड़ा ही कुछ जो मेजर थिंकर्स हैं उनसे क्वेश्चन, अगर नहीं भी आ रहा है तो एक दो कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ये क्वेश्चन आपके डिसाइड नहीं करते सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा प्री के अंदर, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें बताओ कि, है ना, सेंसिटाइजेशन कॉन्सेप्ट किसका है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म किसका है, इस तरीके से। द मेन पर्पस ऑफ गंगा है अगेन गवर्नमेंट एक्शन, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसके, ठीक है, ये गॉड है और उनके सिंबल कौन से क्या होते हैं कल्चर से रिलेटेड, ट्रेड यूनियंस और किस पार्टी से ये अफिलेटेड है, पार्टी गेट सेंगर अगेन करंट अफेयर का, है ना, रिसेंट जो करंट अफेयर चीज न्यूज में थी उससे, बहुत देखो बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछ रहा करंट अफेयर का, या तो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, कोई अपॉइंटमेंट्स होंगे, इंडेक्सेस के काफी क्वेश्चन है, कोई मेजर इवेंट हुई होगी, कोई ऑपरेशन हुआ होगा, उनसे क्वेश्चन पूछता है, प्रधानमंत्री स्वनिधि किसके लिए थी, बिल्कुल बेसिक पूछा किसके लिए, स्टेटमेंट सीधा लिख दोगे आंसर गवर्नमेंट स्कीम्स के, मतलब बहुत डीप नहीं आ रहे, पर आपकी अगर कवरेज उन एरिया में है जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा पेपर प्रीलिम्स का, यूपीपीसीएस का, ठीक है। बोरियो आइलैंड कहाँ पे, आपका बेसिक आइलैंड से हो गए ज्योग्राफी का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इनमें से ये सब केमिकल आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री है गैसेज और जो केमिकल है। हु वाज द फाउंडर ऑफ HSRA, HSDU, हिंदुस्तान सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन, कौन कौन इसके फाउंडर थे मॉडर्न हिस्ट्री। द डेमोग्राफिक डिविडेंड अगेन पूछता है पॉपुलेशन, देखो दूसरा है तीसरा क्वेश्चन, तो पॉपुलेशन भी एक थीम है जो रिपीट हो रही है, एक एक ही पेपर के अंदर दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी थीम दिखा रहा हूँ, एसडीजी से दो आगे, पॉपुलेशन से आगे, मिनरल रिसोर्सेज से आगे वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे, तो ये ऐसी थीम से जो एक ही पेपर के अंदर रिपीट हो रही है, सोचो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, और अलग अलग तो हर साल तो रिपीट हो ही रही है। नेक्स्ट इज डिफरेंट, देखो ऊपर मैंने बताया था माउंटेन हिल का, यहाँ पे आ गया वर्ल्ड, कोई वर्ल्ड लेवल पे आ जाएगा भी, इंडिया लेवल पे आ जाएगा माउंटेन और हिल्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से देखो थर्ड क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और मैंने एक ही वीडियो में करा रखा है, तो एक वीडियो से आप तीन क्वेश्चन कर सकते थे इसमें, जो रट्टा मार सीरीज के अंदर वीडियोस है, सेल्स, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी मैंने बताया था रिन्यूएबल एनर्जी वो एक थीम है, सोलर आई विंड है, उससे क्वेश्चन आता ही है, दूसरा क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी से इस कोर्स इस पेपर के अंदर, है ना। असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च एग्रीमेंट का करंट अफेयर का जो बेसिक साइन, ठीक है ना, करंट अफेयर में इवेंट होती है जो फंडामेंटल ड्यूटी पॉलिटी का, ये ऑफिसर है इनकी ड्यूटी क्या थी, तो डिफरेंट हिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट पोस्ट थी, ऑफिसर कौन थे, वो क्या काम था, वो भी एक थीम है जो आपको करनी चाहिए, अगली बार किसी और रूलर के बारे में पूछ लेगा, उसके अंदर जो ऑफिसर्स थे उनकी क्या रैंक थी, ठीक है ना, क्या उनका काम था, रिवॉल्यूशंस और किससे रिलेटेड है, ये भी हम करते हैं बेसिक ज्योग्राफी के अंदर ना, लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, अगेन बेसिक लोकेशन ज्योग्राफी की। अर्थ एटमोसफियर इज मेनली हिटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिक प्रिंसिपल क्लाइमेटोलॉजी के ज्योग्राफी के, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी। एज अर्ली एज 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप स्टील प्रोडक्शन, देखो रैंकिंग का अगला क्वेश्चन आ गया, तो कितने मेरे ख्याल अगर 6-7 क्वेश्चन हो गए रैंकिंग रैंकिंग से। नेक्स्ट इज द लोकसभा और कौन से साल में थी, ये थोड़ा पॉलिट, अब देखो पॉलिटी के अंदर भी क्रोनोलॉजी चल रही है यहाँ पे, ये अजीब बात है, तो पॉलिटी में भी कब सीक्वेंस दे रहे हैं लोग, दो तीन क्वेश्चन देख चुके हम, ये पॉलिटी में भी सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है आपको। अगेन क्रॉप्स का तो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, कौन सी क्रॉप कहाँ होती है, क्रॉप्स की एक थीम एग्रीकल्चर के अंदर बताई थी मैंने आपको, UNDP में पॉवर्टी, NCERT का बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने क्लास भी ले रखी है NCERT के ऊपर, 12th क्लास की NCERT यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, UPSC का उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये है ना, UNDP में पॉवर्टी में किन किन कैटेगरीज में आती है, वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट, ठीक है वर्ल्ड का क्लाइमेट वो थी मैं, एक गवर्नमेंट स्कीम से जो क्वेश्चन है चौथा पांचवा कम से कम, ये तो गवर्नमेंट स्कीम एक मेजर थीम है, और एक ही PDF बना रखी है मैंने गवर्नमेंट स्कीम की, उसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम कवर कर रखी है, ठीक है, तो उस PDF से, और आप उस पर आप सारा कवर कर सकते हो अपना गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रोग्राम, UPSC खड़ा है आपके ऊपर मिल जाएगी वो PDF, उसकी वीडियोस भी है आपकी। देन मुगल्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है मुगल्स अगेन बेसिक थी, मुगल पढ़ोगे आप सारे मुगल्स के बारे में। देन उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड, है ना, यूपी स्पेसिफिक हो गया। सिनोकैक इज गिवन इन द कोविड-19 और वैक्सीन, ये दो तीन साल से थीम चलती आ रही है, या तो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कोविड-19 से, अब मे बी 2024 और उससे आगे कम आए, लेकिन अभी तक आ रहे थे, एक थीम बनी हुई थी पिछले दो तीन साल से, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अगेन स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स इवेंट्स हो गए, इनसे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है ना। डॉल्फिन डे, सोचो एक क्वेश्चन और आ गया डे से, तो डे भी एक थीम है, शायद तीसरा क्वेश्चन है डे से रिलेटेड, तो ये मैंने आपको 150 के 150 क्वेश्चन करा दिए, UPPCS का जो प्रीलिम्स होता है 2022 का, 2023 का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वो भी आप UPSC का ऐप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कम टाइम में
आप जो मेन मेन चीजें कवर करनी है, तो हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और कोई डाउट हुआ तो आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे उसके अंदर। उसके अलावा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी है, और आने वाले टाइम में हम जब मेन्स आएगा तो उसकी मेन्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर या व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।